नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। आज यानी 5 जुलाई 2019 को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कटमनी को लेकर आसनसोल कॉरपोरेशन का घेराव किया जाना था, जिसे लेकर काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और एक जुलूस की शक्ल में आसनसोल कॉरपोरेशन की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम रखे थे ताकि एक भी भाजपा कार्यकर्ता कॉरपोरेशन कार्यालय तक ना पहुंच सके। इसके लिए पुलिस ने काफ़ी मजबूत बैरिकेड लगाया था, लेकिन भाजपाइयों ने बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। वहीं पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से तैनात थी, जिसके कारण भाजपाई अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता प्रयास करते रहे कि वो आगे बढ़कर कॉरपोरेशन तक पहुंच जाए। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करते ही भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन दूर जाकर भाजपा कार्यकर्ता उधर से पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद मजबूरन पुलिस कर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आपको बता दें कि आसनसोल लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से तृणमूल और भाजपा में संघर्ष होते आ रहे हैं, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। पूरे बंगाल से हिंसक झड़पें की घटनाओं की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन सबों में देखा जा रहा है कि जनता परेशान है। जहाँ तहाँ जब इच्छा इस तरह की घटनाएं घट जा रही है। अचानक से घटी इस घटना से जनता काफ़ी हताश हो रही है। आज भी आसनसोल में यही घटना हुई। आसनसोल के जिस जगह पे ये घटना हुई, वो आसनसोल का हृदय स्थली माना जाता है, जहाँ पे आसपास के अलावा दूर दराज से और दूसरे राज्यों से भी लोग बाजार करने के लिए आते हैं। अचानक से हुई इस घटना से लोग सहम गए। लोग इधर उधर भागने लगे, उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि पुलिस की तत्परता से काफ़ी जल्दी इस घटना पर काबू पा लिया गया। स्थिति को नियंत्रित कर बाजार को फिर से सुचारू किया गया। बसें और गाड़ियां
आवागमन शुरू कराएगी।